अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मज़ेदार पालक की भुजिया। उसके लिए हमने जो जो चीज़ें ली हैं, 1 kg हमने पालक ली है, ये हमने धोकर अच्छी तरह छलनी में रख ली है। हमने ली है हल्दी 1/4 teaspoon और साथ हमने नमक हसबे ज़रूरत, लहसुन की कलियाँ उसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, चिली फ्लेक्स ली है 1 tablespoon, मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कीजिए, 1/2 cup हमने ऑयल का लिया है, ग्रीन चिलीज़ हैं ये तकरीबन 10 थी और हमने इसको इस तरह से कट कर लिया है, और ये पोटैटो हैं तकरीबन ये 4 मीडियम साइज़ के थे, हमने इनको इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। टमाटर लिए हमने 2 अदद मीडियम साइज़, और 1/2 हमने यहाँ पे चिकन क्यूब लिया है। हमने अपनी कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दिया है, अब हम इसके अंदर लहसुन शामिल करेंगे और लहसुन को फ्राई करेंगे। ये हमारा लहसुन फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। ये हम टमाटर शामिल कर रहे हैं और इसमें हमने 1/2 चिकन क्यूब भी लिया था। टमाटरों को सॉफ्ट होने तक के लिए हम पकाएंगे। ये हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर नमक और हल्दी शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। अब साथ ही इसमें हम चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे। इसमें हम 2 to 3 tablespoon के करीब हम पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे मसालों की हीट निकल जाए, फिर इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। और यह हमारा मसाला भून चुका है, अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। अब हम इसमें आलू शामिल कर रहे हैं, आलू को मसाले के साथ मिक्स करेंगे और इसमें तकरीबन हम 1 glass के करीब पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे आलू अच्छी तरीके से गल जाएं। ये हमने इसमें 1 glass के करीब पानी शामिल कर दिया, अब हम आलूओं को गलने तक पकाएंगे। ये हमारे आलू गल चुके हैं, अब हम इसमें पालक शामिल करेंगे। ये हमने इसमें पालक शामिल कर दी है और इसको हम मिक्स करेंगे और इसको हम 2 हिस्सों में करके डालेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स हो जाए। अब जो हमारी बची हुई पालक थी हमने इसमें वो भी शामिल कर दी है, अब इसको भी हम मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम पालक को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ये हमने पालक को मसाले के साथ मिक्स कर लिया है, अब हम इसको हल्की आंच पर सॉफ्ट होने तक पकाने के लिए छोड़ देंगे। अब इस पॉइंट पे हम इसमें हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी वो शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे और अब इसका हम पानी ड्राई होने तक इसको इस तरह से भूनेंगे। बहुत लजीज बनती है इस तरीके से ये पालक की भुजिया, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये हमारी पालक की भुजिया बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी शानदार लग रही है, अल्लाह ताला की नेमतों का हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि उसने हमें तरह तरह की नेमतें दी, ग़िज़ाइयत से भरपूर। ये भुजिया बहुत मज़े की बनती है, आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।